अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 एंड आई होप यू विल हैव डन योर होमवर्क एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर 2 इक्वल एज 7 ओवर 2x सॉल्व इट बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर आई हैव ऑलरेडी टेल यू अबाउट द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सो लेट्स स्टार्ट ओके I have written question and now we will solve it. ये देखें ये question है माइनस एक्स स्क्र प्लस 15. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कॉफिशेंट एक्स स्क्र का जो भी होता है वो साथ नहीं होना चाहिए. तो इस दफ़ा तो एक्स स्क्र सेपरेट एक्स स्क्र अकेला इसके साथ कॉफिशेंट नहीं है, लेकिन इसके साथ माइनस साइन है. तो इसका भी हमने क्या करना है, इसका साइन माइनस नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए. इसका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और इसका साइन भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इस साइड इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे. तो कैसे करेंगे, 15 ओवर 2 को इस साइड पर ही रहने देंगे, 7 ओवर 2x और इस एक्स स्क्वायर को उस साइड पे लेके जाएंगे. तो आपको पता है साइड जब चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये अब इसको सीक्वेंस के साथ लिखते हैं इस सारी टर्म को. तो ये कैसे बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 2x इज इक्वल है 15 ओवर 2. ये हो गया, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ. आपके एक्स के साथ कोफिशेंट जो भी होता है, जो वैल्यू भी होती है, उसको हम क्या करते हैं, 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब आज मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया था, आपने उसी तरह ही सब कर लिखना है. ये पूरी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इसी तरह स्टेटमेंट लिखनी है जैसे मैंने बता दिया. अब मैं नहीं लिखूँगी, अब मैं सीधा सीधा आपको क्वेश्चन समझाऊँगी. ओके, अब ये देखें आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि डेट इज़ आपने क्या करना है, 1 ओवर 2 से आपका एक्स का जो भी कॉफिशेंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है. 7 ओवर 2 है तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 ओवर 2 से, तो ये क्या हुआ, ये बन गया 7 ओवर 4. अब हम क्या करेंगे, इस 7 ओवर 4 का स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 2 एक्स प्लस 7 ओवर 4 का होल स्क्वायर ले लेंगे, देन 15 ओवर 2 और इसके साथ भी हम 7 ओवर 4 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे. अब ये देखें ये फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये दो फार्मूले इधर यूज़ होंगे, कौन कौन से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो वो कैसे खुलते हैं, ए का स्क्वायर देन बी का स्क्वायर देन 2 और फिर ए और फिर बी, यानी सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू. और अगर इसी तरह इसमें माइनस का हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो कैसे ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक फर्स्ट वैल्यू का फिर बी का फिर माइनस, अगर मिड में माइनस है तो 2 के साथ भी क्या लगेगा, माइनस और फिर फर्स्ट वैल्यू ए और फिर बी. इसी तरह आप ये देखें, इधर अगर हम देखें तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, आपके पास किसका ये फार्मूला बनेगा, ये आप देखें, ये एक्स फर्स्ट वैल्यू है और सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 ओवर 4. अब साइन कौन सा लगाना है, आपने एक्स जो भी एक्स होगा उसके साथ जो भी वैल्यू होगी वो आपने वो साइन जो भी होगा वो लगाना है. तो एक्स के साथ प्लस का साइन है तो ये हमने पुट कर दिया, तो ये किसका बन गया, एक्स प्लस 7 ओवर 4 का होल स्क्वायर. अब यहाँ हम क्या करेंगे, 15 ओवर 2 वैसे ही लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस वैसे ही लिखेंगे, इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 7 7 14 एंड 4